बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तारा की नमक करना फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो आज इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे टेस्ट भी हो रहे थे और आज हमारा आखिरी टेस्ट था और अगला शेड्यूल दोबारा से मिल गया, तो इसलिए हमें इतने दिनों से टाइम भी नहीं मिलता था और इसीलिए इतने दिनों से हम लोगों ने व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह आज जुमे का भी दिन है और आज का हम लोग बनाएंगे व्लॉग अपना और हम लोगों ने जाना ट्यूशन 4 बजे। तो इस वक्त टाइम 12:30 हो रहे हैं, हम लोग आए थे स्कूल से 12:15 बजे तक। तो अभी बस हम लोग नाश्ता वगैरह करके कपड़े वगैरह इस्त्री करके उसके बाद जाएंगे हम लोग मस्जिद नमाज़ पढ़ेंगे। तो अली ने कहा था कि आज देखो किसी चीज़ का हम लोग चैलेंज वगैरह करते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है AUS स्टूडियो चैलेंजेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप जाके उसको जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। और उसकी वीडियोस जो हैं 2 वीडियोस मैंने अपलोड की है, एक शॉर्ट्स और एक जो है वो यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड किया मैंने, दो वीडियोस अपलोड किए हैं, एक शॉर्ट और एक व्लॉग अपलोड किया, आप जाकर उसको देख लें। और मैंने कम्युनिटी पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लिंक दे दी अपने न्यू यूट्यूब चैनल का, तो आप जाके वहाँ से भी आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और जल्दी जल्दी से उस पर भी जिस तरह आपने मुझे इस यूट्यूब चैनल पर प्यार दिया उसी तरह उस यूट्यूब चैनल पर भी मुझे प्यार देते रहे। तो इंशाल्लाह बस अभी हम लोग जाते हैं भी ऊपर कपड़े वगैरह पहन के जुमा पढ़ने जाने से पहले, फिर आपको मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। वैसे मैंने नहा लिया है, मैं नहा चुका हूँ और मैंने कपड़े वगैरह भी पहन लिए हैं, तो मैं जा रहा हूँ जुमा वगैरह पढ़ने। अली को मैंने आवाज़ दिया है, अली कह रहा है बस मैं 2 मिनट में कपड़े वगैरह पहन के आ रहा हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नमाज़ वगैरह पढ़ने जुमे की। तो चलते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने, उस टाइम फिर आपको मिलते हैं। वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा फरहान के घर, उसके बाद फिर फरहान के घर से फरहान को लेना है, उसके बाद फिर हम लोग जाएँगे जुमे की नमाज़ पढ़ने। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अभी हम लोग आए फरहान की गली में, तो फरहान को लेके उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जुमे की नमाज़ पढ़ने। चलते हैं फरहान के घर और आवाज़ देते हैं फरहान को, उसके बाद फिर चलेंगे जुमे की नमाज़ पढ़ने। 5-10 मिनट रह गए सिर्फ, यहाँ पर 35 पे जुमा होता है और अभी हो रहे हैं 28। तो फरहान को लेके उसके बाद फिर चलेंगे नमाज़ पढ़ने। तो गैस मैंने दिए फरहान को आवाज़, तो अभी फरहान आ रहा है बस, उसके बाद फिर चलेंगे जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ने बिलाल मस्जिद में। अभी हम लोगों ने ले लिया फरहान को, तो फरहान कैसी हो? तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने जुमे की, उसके बाद फिर हम आपको वापसी पे मिलते हैं। 346 minutes later. गाइस हम लोगों ने जुमे के बाद जब हम लोग फरहान के घर गए थे उसके बाद हम लोग आए थे घर और हम लोगों ने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, तो मैं सो गया था, तो इसलिए भाई मोबाइल ले गया था। तो अभी रात के हो रहे हैं इस वक्त 8:30, तो अभी हम लोग बस हम लोग ट्यूशन से भी पढ़ के आ चुके हैं, तो उसके बाद फिर अभी अब्दुल्ला और अली जो गेम है बाहर खान जो हम लोगों ने रात को चैलेंज करना था फरहान के साथ करना था हम लोगों ने चैलेंज, तो फरहान को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपनी बुक्स लेने जानी है। तो मैंने कहा यरा हम लोगों को बस 1/2 घंटा लगेगा, तो वो कह रहे यरा नहीं यरा सॉरी यार नेक्स्ट चैलेंज में मैं शामिल हो जाऊँगा। तो उसने पहले भी इसी तरह ये कहा था, तो वो तब भी नहीं हुआ था, तो अभी भी मैंने इसने ये कहा है, तो अब देखो नेक्स्ट चैलेंज में वो इंक्लूड होगा या नहीं। तो अभी बस अब्दुल्ला और अली जो गए हैं बाहर अवान मार्केट में गए हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ के दाल चावल जो हैं वो हम लोग खाते हैं ट्राई करते हैं, हम लोगों ने कभी नहीं किए यहाँ के दाल चावल। तो वो अवान मार्केट गए हैं, तो वहाँ पर सीडीए वहाँ पर गए हैं, तो उधर वहाँ से दे के आएँगे दाल चावल और उसके बाद फिर हम आके हम तीन बंदे हैं वहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बैठ के इधर जो है हम लोग चैलेंज करेंगे बैठ के। गाइस तो मैं अब्दुल्ला मकसूद हूँ, तो ये मोटरसाइकिल है पेट्रोल इस एंड सिर्फ ये सारा पानी है, देख सकते हैं आप ये ठीक है। तो अभी अली गए घर, तो अभी हम लोगों ने अपना करना चैलेंज, देखते हैं क्या करते हैं चैलेंज अब अपना। तो आ चुके हैं अली आ चुके हैं ये देखें ये, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस भाई, तो मिलते हैं जाके आपको बड़े लाभ। तो यार अली कितनी दूर है पेट्रोल पम्प? नहीं है कितनी दूर है वैसे पूछ रहा हूँ। रश बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर, ये देखें ये जलेबी वाली दुकान सारा यहाँ पर, तो ये मेरे दोस्त की गली है ऊद। तो चलो यार चलते हैं। तो गाइस बस अभी हम लोग ये रोड पे निकल चुके हैं, अब बस थोड़ा सा ही रह गए, चलो अब मेरी वीडियो बनाओ।
बना लेता हूँ यहाँ से, कोई खींच खींच कर ना ले जाओ मोबाइल। मैं अभी दो साल का हूँ ना, चल चला जाने दो, चल मेरा नौजवान चल, ओए चल 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 चल, भाग भाग भाग। दुल्ला सोचा था ऐसे कभी ये भी होगा हमारे साथ, क्या मैं पैदल जाना पड़ेगा, पेट्रोल खत्म हुआ तो पैदल जाना पड़ेगा, ऐसे तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। मेरा ख्याल है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो जाता होगा, पर इसमें नहीं होता। दुल्ला रश जैसे ही कम होता है ना बाइक उस साइड कर लो, कर ले ओए, अब रुक जा, चल ले आ जल्दी आ जा। दो ना यार, तो क्या चीज है, इतना अभी भी हमारे पास टाइम था, अब्दुल्ला साहब आया नहीं है। दे दिए, चलो 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 आओ, स्टार्ट करो ना, आप पहले स्टार्ट तो करो। ठंडा पानी लाओ भाग के कहीं से, किधर है जाग करके लाना वो फर्क, ठंडा पानी इधर आ जाओ। तो ये है हमारा हॉन मार्केट वाला पेट्रोल पंप, तो पता नहीं ठंडा पानी है नहीं है, ठंडा पानी है, ठंडा है। चलो ये लो ये लो ये लो ये लो, सही है, स्टार्ट नहीं हो रहा, पी लो भाई पी लो। मेरा क्या, मैं भी पी लेता हूँ। हो गया रेस, दो रेस, और करो बेइज्जती। चलो भाई चलो, अब यहाँ से निकलने वाला भाई, काम करो यहाँ से निकलो। ठंडी हवाएं, बारिश का मौसम है आज, फिर मौसम का छोड़ दे, ठंडी ये रियाज हुसैन साहब की मस्जिद, जिधर से हम लोग गाड़ी वगैरह की वीडियो वगैरह बनाने आते थे, वीडियो अच्छी तरह करे अली वैडो की। अभी ये अमान मार्केट पहुंच चुके हैं, मेन अमान मार्केट, ये मस्जिद है अमान मार्केट की, तो ठीक है बस चलो यार अली, जल्दी मुकाओ, मुकाने वाला काम करो भाई, मुकाने वाला चलो चलो चलो। कन्या भाई कार है, भाई भाई कार है अभी, किधर जा रहे अभी? अच्छा बताओ यार, किसका चैलेंज करना है अभी? तो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा, इस व्लॉग में भी मैं वीडियो वगैरह डालूंगा, तो इंशाल्लाह बस अब्दुल्ला वगैरह जिस टाइम आते हैं उस टाइम आपको हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर थोड़ी सी वीडियो वो वाली वीडियो जो है वो इसमें भी बनाएंगे, और नेक्स्ट व्लॉग में भी पूरा व्लॉग हम अपना व्लॉग जो है अपलोड करेंगे, तो आपको मिलते हैं जब अब्दुल्ला वगैरह आएंगे। तो यार अब्दुल्ला क्या लेके आए हो यार? आपको देख रहे हैं तीन चावलों की प्लेट देख रहे हैं, और ये बाकी हलीम हलीम है ये, ठीक है, और ये अंकल ने नींबू डाल के दिए, ठीक है। कितने, तीन हलीम है, तीन तीन हलीम और तीन चावल है, तीन चावल है।
ठीक है, मार्केट से मिलती है 80-80 रुपए का, ठीक है। तो बस चली गई है घर भी, वो सामान वगैरह पकाने घर, उनके घर वाले भी मंगवाए थे हलीम और वो चावल वगैरह और रोटी और दूध वगैरह। आपसे मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो भैंस वगैरह का जो लोग दूध पीते हैं वो ना पिए, क्योंकि भेड़ों में वायरस आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भैंसों वगैरह का जो दूध वगैरह है वो आप ना पिए, क्योंकि उन भैंसों में वायरस आया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो बाहर से गोश्त वगैरह मिलता है भेड़ों का, बकरों का, और छोटा बड़ा गोश्त जो है वो भी ना खाएँ, वो उसमें भी वायरस आया हुआ है। और बाकी इन, और यहाँ पर सवाद जो है, यहाँ पर सैलाब आया आज, नहीं आया, तीन चार दिन पहले का है, तीन चार दिन पहले है, नहीं पता। तो बस अभी हम लोग अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये वाला तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, अगर हो सके तो भाई को दो में देखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।